100 से 110 दिनों में तैयार होने वाली बौनी किस्मों में 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम सल्फर और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। 110 से 125 दिनों में तैयार होने वाली बौनी किस्मों में 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो सल्फर और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। 126 से 140 दिनों तक तैयार होने वाली बौनी किस्मों में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम सल्फर एवं 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। 141 दिनों से अधिक दिनों में तैयार होने वाली बौनी फसल में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम सल्फर एवं 40 से 50 किलो पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ऊंची किस्मों के लिए 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश एवं 20 से 30 किलोग्राम सल्फर की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब आपके लिए कुछ बेहद ही जरूरी जानकारी। स्फूर व पोटाश की पूरी मात्रा बुआई या रोपाई के समय दें। ध्यान रहे, अगर किसी कारण से आप ऐसा ना कर पाए हों तो रोपाई के 20 से 30 दिनों के अंदर स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा डाल सकते हैं। हालांकि इस वक्त खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए और कभी भी नाइट्रोजन या यूरिया की पूरी मात्रा एक बार में नहीं डालना चाहिए।